हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर एक टॉपिक बोल्टेड कनेक्शन। तो बोल्टेड कनेक्शन में हम पढ़ेंगे कि किसी भी बोल्टेड कनेक्शन की एफिशिएंसी निकालना सीखेंगे हम। एफिशिएंसी निकालने से पहले हमें, मतलब किसी भी लैप जोन या बट जोन के लिए एफिशिएंसी निकालेंगे हम, उससे पहले हम सीखेंगे कि बोल्ट होता क्या है। तो ये मैंने आपके सामने एक बोल्ट का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें ये जो इस पार्ट को हम बोलते हैं थ्रेडेड पार्ट, ये जो थ्रेडेड रहता है ये होता है नट हमारा, और जो थ्रेडेड नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं शेंक। और ये सबसे टॉप वाला जिससे हम बोल्ट को होल्ड करते हैं, जिससे बोल्ट टाइट करते हैं, उसको बोलते हैं हम हेड। तो जो हमारा शेंक का डायमीटर होता है उस डायमीटर को बोला जाता है नॉमिनल डायमीटर, ये ध्यान रखना। तो नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, स्मॉल डी, इट इज़ शेंक्स डायमीटर बिफोर रिवेटिंग। रिवेटिंग मीन्स बोल्टिंग। तो जो शेंक का डायमीटर है बोल्टिंग के पहले, वो होता है हमारा नॉमिनल डायमीटर स्मॉल डी। और एक डायमीटर हमारे पास होता है ग्रॉस डायमीटर, जो होता है डी नॉट। डी नॉट क्या होता है, इट इज़ शेंक्स डायमीटर आफ्टर रिवेटिंग प्रोसेस। रिवेटिंग प्रोसेस मीन्स बोल्टिंग प्रोसेस के बाद जो हमारा शेंक का डायमीटर होता है उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस डायमीटर। तो वो एक्चुअल में होता क्या है, डायमीटर ऑफ रिवेट होल, मीन्स वो उस होल का डायमीटर होता है एक्चुअल में। जैसे कि हमारे स्टील के कोड IS 800-2007 में टेबल 19 पेज नंबर 73 में लिखा हुआ है कि अगर डायमीटर आपका नॉमिनल डायमीटर 25 mm से कम है, तो उसके लिए ग्रॉस डायमीटर डी ओ की वैल्यू क्या होगी, नॉमिनल डायमीटर डी प्लस 1.5। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 20 है, 25 से कम है, 20 के लिए ग्रॉस डायमीटर क्या होगा, 20 प्लस 1.5, जैसे 21.5 ऐसे। और अगर नॉमिनल डायमीटर हमारा 25 या 25 से बड़ा हो, तो उसके लिए ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 mm। जैसे कि अगर है 27 है, तो 27 प्लस 2, 29 mm ऐसे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। बोल्टेड कनेक्शन में दो टाइप्स के जॉइंट होते हैं हमारे पास, एक होता है लैप जॉइंट और एक होता है बट जॉइंट। तो सबसे पहले लैप जॉइंट क्या होता है, व्हेन द प्लेट्स कनेक्टेड ओवरलैप ईच अदर, मतलब कोई भी दो प्लेट्स है जिनको हम कनेक्ट करना है, अगर ओवरलैप करती हैं इस तरह से कुछ, फिर हम बोल्टिंग करते हैं उससे, तो उसको बोलते हैं हम लैप जॉइंट, मीन्स एक के ऊपर एक लैप, इसको बोलते हैं लैप जॉइंट। तो दूसरा होता है हमारे पास बट जॉइंट। बट जॉइंट और लैप जॉइंट में क्या डिफरेंस है कि बट जॉइंट के अंदर हम कवर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कवर प्लेट्स यूज़ करते हैं। और इसमें दो तरह के होते हैं, सिंगल कवर बट जॉइंट। सिंगल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, इफ़ टू प्लेट्स आर कनेक्टेड थ्रू देयर फेस एंड ऑल्सो कवर प्लेट इज हेल्ड अबाउट, मीन्स कोई भी दो प्लेट्स अगर उनके फेस से कनेक्टेड हैं और उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ऊपर एक कवर प्लेट दी गई है, फिर बोल्टिंग की गई है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट, मीन्स एक कवर यूज होता है। और एक होता है हमारे पास डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है कि वही दो प्लेट्स अब उनके फेस से कनेक्ट होती हैं और उसमें दो कवर प्लेट्स की यूज होती है, जैसे एक ऊपर और एक नीचे। जैसे ये दो हमने प्लेट्स लगा दी जिन्हें कनेक्ट करना है, और ऊपर एक कवर प्लेट लगा दी, नीचे एक लगा दी, फिर बोल्टिंग की, तो वो हमारा डबल कवर बट जॉइंट रहेगा। सिंगल कवर में सिंगल शीयर का केस होता है और डबल कवर बट जॉइंट में डबल शीयर का केस होता है। अब देखेंगे हम कि पिच, गेज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस, ये चार चीज़ क्या होती है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, जैसे कि हमारे कोई भी प्लेट है दो, मान लीजिए कोई भी प्लेट है एक, उसके कनेक्ट करनी नीचे ये दूसरी प्लेट है, मान लीजिए ये दूसरी प्लेट है, इन दोनों प्लेटों को कनेक्ट करने के लिए हमें बोल्टिंग करनी पड़ेगी। इसे बोल्टिंग कर दी मैंने, तो इसमें क्या है कि पिच डिस्टेंस क्या होती है, पिच डिस्टेंस क्या होती है, देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ टू रिवेट होल्स मेजर्ड पैरेलल टू द फोर्स पी। अगर फोर्स इस तरफ है तो इसके पैरेलल जो दो बोल्ट होल के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं पिच। जैसे कि ये हो गई और ये पिच हो गई, मीन्स फोर्स के पैरेलल जो डिस्टेंस होती है बोल्ट होल्स की, नियरेस्ट बोल्ट होल्स की, वो होती है पिच। जैसे कि ये एक पिच हो गई, ये दूसरी पिच, वो दो पिच। और गेज डिस्टेंस क्या होती है, गेज डिस्टेंस नथिंग, ये भी दो बोल्ट होल्स के बीच के दूरी होती है, पर ये मेजर होती है फोर्स के परपेंडिकुलर, जहाँ हमारा फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर, मीन्स जैसे दो बोल्ट होल है तो इसके परपेंडिकुलर ये गेज डिस्टेंस, जैसे कि ये भी गेज हुई, दो नियरेस्ट बोल्ट होल्स, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है।
सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ टू नियरेस्ट रिवेट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द फोर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड गेज डिस्टेंस. जो फोर्स के अलग होती है दो बोल्ट होल्स की वो पिच हो गई, और जो परपेंडिकुलर मेजर की जाती है दो बोल्ट होल के बीच में दूरी वो गेज. एज डिस्टेंस क्या होती है? जो हमारी प्लेट की एज है, ये हमारी प्लेट की एज है, और नियरेस्ट बोल्ट होल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल टू द एडजेसेंट एज मीन्स मेजर्ड परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस के परपेंडिकुलर मीन्स इधर जो नियरेस्ट बोल्ट हो एज और जो नियरेस्ट बोल्ट बोल्ट होल है उसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं एज. मीन्स हमारे जो एज से पहले बोल्ट की जो दूरी है, मतलब डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं एज डिस्टेंस. और एंड डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल एंड द एंड ऑफ द एलिमेंट एंड इज मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस. डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस के अंदर ही जो हमारी मेंबर है उसकी एंड है, ये एंड हो गया हमारा मेंबर का, उसकी और नियरेस्ट बोल्ट होल्ड की दूरी मीन्स ये वाली, ये होती है एंड डिस्टेंस. एज और एंड में क्या डिफरेंस है? ये एज से लेके नियरेस्ट बोल्ट होल की दूरी होती है, और ये होती है एंड से लेके नियरेस्ट बोल्ट होल की दूरी इन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस. बस ये होती है. और हमारे पास IS कोड में लिखा हुआ है पेज नंबर 73 और 74 पे, क्लॉज नंबर 10.2.2 में और 10.2.4.2 में, कि मिनिमम पिच डिस्टेंस क्या होती है? 2.5 D होती है, 2.5 नॉमिनल टाइम्स नॉमिनल डायमीटर. और मिनिमम एज डिस्टेंस होती है हमारी 1.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ होल. ये तो कुछ भी नहीं है, डिजाइनिंग में काम आएगा, अभी हमारे काम की नहीं है. तो अब हम देखते हैं ग्रेड ऑफ बोल्ट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड्स होती है बोल्ट्स की, जैसे कि होती है 4.6, कई भी क्वेश्चन में दे देगा M20 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 या M25. तो वो M25 और वो नथिंग, बस ये 25 क्या होता है कि डायमीटर ऑफ बोल्ट दे रखा होता है 25 mm, डायमीटर ऑफ शैंक मीन्स नॉमिनल डायमीटर. उसमें दे देगा आपको ग्रेड देगा 4.6 है, 4.8, 4.5.6, 5.8. इसमें आपको ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी FYB FUB क्या है? कुछ भी नहीं है. FYB आपको याद करना है, तरीका बताता हूँ मैं. देखो F 4.6 है, अगर FYB निकालना है तो 4 और 6 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप. 4 और 6 को मल्टीप्लाई करने में क्या आता है? 24. बस आगे एक जीरो लगा दो, तो 4 इंटू 6 इंटू 10 कर दो तो 240. वैसे ही 4 इंटू 8 32 और आगे एक जीरो लगा दो ये 20. 5.6 है जैसे, तो 5 इंटू 6 30, उसके आगे जीरो लगा दिया 300 मेगा पास्कल. फिर आया 5 इंटू 8 400 मेगा पास्कल. ये FYB निकालने का तरीका. और FUB कैसे निकालना है? अगर 4.6 है मीन्स 4 के बाद 0.6 है तो नथिंग 0.6 है तो दो जीरो लगा दो, मतलब 400 कर दो डायरेक्ट. जैसे 5.6 है तो 500. और अगर 4.8 है मीन्स अगर 0.8 आता है तो उसके आगे 20 ऐड कर दो, मीन्स 400 में 20 ऐड कर दिया 420. जैसे 5.8 है वैसे 500 में ऐड कर दिया 520, जैसे 5 है ना. तो ये हमारा मतलब निकालने का तरीका ईजी वे. फिर हम पढ़ते हैं इसमें, अब आता है हमारा टॉपिक एफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड कनेक्शन. ये कैसे निकालते हैं हम एफिशिएंसी? अब एफिशिएंसी का एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला ये, नीटा इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट मल्टीप्लाई बाय 100. तो अब हमको इसमें स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होती है? लीस्ट वैल्यू ऑफ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर एंड डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बेयरिंग. ये तीन वैल्यूज का लीस्ट होती है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हमारी. तो हमको सबसे पहले इफिशियंसी अगर कैलकुलेट करनी है किसी भी बोल्टेड कनेक्शन की, तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट. सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होगी? डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना. तो ये सब IS कोड में हमारा दे रखा है, IS कोड आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छा रहेगा. पेज नंबर 32 और 33 पे क्लॉज 6.3.1 में दे रखा है, आपको फॉर्मूला गिवन है TDN का, 0.9 ANFU. ये रहा, जैसे मैं बताता हूँ उसके अंदर आपको, ये रहा TDN का 0.9 ANFU अपॉन गामा ML. मैं वही बोला कि कोड अगर फॉलो करोगे तो सारे फॉर्मूले इसमें रिटन है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. तो वही TDN का क्या फॉर्मूला है? 0.9 ANFU अपॉन गामा ML, जिसमें FU अल्टीमेट स्ट्रेस है, AN नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट है, और गामा ML पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है जिसकी वैल्यू फिक्स है. सब कोड में लिखा हुआ है. पेज नंबर 33 पे आएंगे आप तो वहाँ पे लिखा हुआ है नेट एरिया का फॉर्मूला दे रखा हो, बी माइनस एन डी नॉट माइनस समेशन पी एस आई स्क्वायर अपॉन 4GI मल्टीप्लाई बाई टी. ये तो होता है नेट इफेक्टिव निकालना अगर स्टैगर्ड बोल्टिंग कर रखी हो तो, लेकिन हमारा स्टैगर्ड नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे ओनली सिंपल बोल्टिंग. उसमें अगर विदाउट स्टैगर्ड है
तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, बी माइनस एन डी नॉट, और वो जो ये चीज़ है जीरो हो जाती है इसमें, विदाउट स्टैगर्ड में ये चीज़ टर्म जीरो हो जाती है, तो क्या बन जाएगा, बी माइनस एन डी नॉट मल्टीप्लाई बाई टी। टी क्या है, हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट है, वे बी क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट, और एन नंबर ऑफ बोल्ट होल्स। ये पेज नंबर 33 पे इसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है आईएएस कोड में। अब हमको पढ़ना है, हम सेकेंड स्टेप में बढ़ते हैं, हम इसमें निकालते हैं हम बोल्ट्स के लिए, हमने अभी प्लेट्स के लिए निकाली थी, अब मुझे निकालनी है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स, जिसमें दो होती हैं, एक शियर में होती है और एक होती है बेयरिंग में। शियर में निकालने के लिए पेज नंबर 75 खोल लो आप, टेन क्लॉज नंबर 10.3.3 में आपको दिख जाएगा ये फॉर्मूला, वी डी एस बी इज इक्वल टू वी एन एस बी अपॉन गामा एम बी, जहाँ पे वी एन एस बी क्या है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियरिंग। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एफ यू अपॉन रूट थ्री एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। अब वॉट इज एन एन, एन एन और एन एस क्या है, नंबर ऑफ शियर प्लेन्स विदाउट थ्रेड्स, और एन एस नंबर ऑफ शियर प्लेन्स विथ विथ थ्रेड्स, और ये विदाउट थ्रेड्स। अब ये दो मतलब हर जॉइंट के अलग अलग होती है, जैसे लैप जॉइंट है हमारा, तो लैप जॉइंट में क्या होता है, एक के ऊपर एक होती है, जिसमें अगर मैं अगर इस बोल्ट को अगर इस दो प्लेट्स को ऐसा खींच मतलब स्लाइड करूँगा, तो ये बोल्ट कुछ इस तरह टूट जाएगा। उसमें अगर एन एस जीरो होता है और एन एन वन होता है, क्यों, क्योंकि इसमें शैंक पार्ट शियर नहीं होता, इसीलिए एन एस जीरो और एन एन वन। और अगर बट जॉइंट की बात करूँ तो सिंगल में, सिंगल कवर बट जॉइंट में क्या, सिंगल कवर बट जॉइंट में वही एन एस जीरो एन एन वन। और अगर डबल कवर आता है, डबल कवर में ध्यान रखना है आपको कि इसमें तीन बोल्ट तीन पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसमें दो शेयर प्लेन होते हैं, एक होता है शैंक में होता है और एक होता है थ्रेडेड पोर्शन में, तो एन एस की वैल्यू भी वन होती है और एन एन की वैल्यू भी वन होती है। तो और अब हमारा आता है एरिया ऑफ बोल्ट, तो थ्रेड जैसे कि कोई भी बोल्ट है, अब इसका शैंक का एरिया अगर मुझे चाहिए, तो शैंक का एरिया सिंपली सिंपली पाई बाय फोर टाइम्स नॉमिनल डायमीटर का स्क्वायर। और अगर हमें चाहिए थ्रेडेड पोर्शन का, थ्रेडेड पोर्शन में क्या होता है, कुछ एरिया कट जाता है, जैसे कि ये एरिया मिसिंग है, तो इसके लिए हम 0.78 कर देते हैं और पाई बाय फोर टाइम्स डी स्क्वायर, वही कुछ भी नहीं है, बस ये आपको याद रखना है दो चीज़ें। उसके बाद हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग में। अब पेज नंबर 75 आप खोल लो आई एस कोड का, क्लॉज नंबर 10.3.4 पे वी डी पी बी, इसका फॉर्मूला भी एन पी बी अपॉन गामा एम बी। गामा एम बी इज़ नथिंग बट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी के लिए हम इसमें डिवाइड करते हैं बस। तो वी एन पी बी क्या, हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बेयरिंग यही है। तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है 2.5 के बी डी टी एफ यू। अब के बी की वैल्यू दे रखी है आई एस कोड में, चार दे रखी हैं, इसमें से जो लीस्ट है वो हमें लेनी है, ई अपॉन थ्री डी नॉट, पी अपॉन थ्री डी नॉट माइनस 0.25, एफ यू बी अपॉन एफ यू, और 1.0। तो इसमें से जो लीस्ट वैल्यू होगी वो हमें लेनी है के बी के लिए। अब थर्ड स्टेप हमारी आती है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालना, ये भी लिखा हुआ पेज नंबर 32 क्लॉज नंबर 6.2 पे। इसका फॉर्मूला दे रखा है टी डी जी इज इक्वल टू ए जी एफ वाई अपॉन गामा एम ओ। गामा एम ओ इज नथिंग बट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और ए जी क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन, और एफ वाई यील्ड स्ट्रेस। अब हमें निकालना है इसमें, अब हमें एफिशिएंसी में क्या फॉर्मूला होता है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ टी डी एन वी डी एस बी एंड वी डी पी बी, जो हमने डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाली टी डी एन, जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकाली शियर में वी डी एस बी, और जो हमने निकाली बोल्ट की बियरिंग में मीन्स वी डी पी बी, इन तीनों का जो लीस्ट होता है वो हमारा होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में, मतलब उस पर वैल्यू वो वैल्यू आएगी जो हमारी लीस्ट होगी। और नीचे क्या आएगी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट जो मैंने बताया ये जी एफ आई अपॉन गामा एम ओस आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारी इफिशियंसी ऑफ जॉइंट निकल आएगी, इफिशियंसी ऑफ बोल्टेड कनेक्शन निकल आएगा। और लास्ट में ये गामा एम बी, गामा एम ओ और गामा एम एल जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हैं, इनकी वैल्यू आप पेज नंबर 30 पे दे रखी है, क्लॉज नंबर 5.4.1, टेबल नंबर 5, आई एस कोड आप देख लो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में नहीं आया, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में समझाने की, आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि जो ये वायरस चल रहा है इससे मतलब बहुत तकलीफ़ में है, हम इंडिया बहुत तकलीफ़ में है, तो आप अपने घर से बाहर मत निकलिए, आपकी फ़ैमिली को बोलिए घर से बाहर ना निकलें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और बी सेफ एंड बी स्टे एट होम। ओके बाय बाय।